तो इस वीडियो को अगर आपने आखिर तक देख लिया तो इंशाल्लाह आपके ये वाले मसले हल हो जाएंगे, बशर्त ये कि आप इसको फॉलो करें कि अनलिमिटेड रिस्क कैसे आप तक पहुंच सकता है। रिस्क मेरे साथ ये नहीं होता, मेरे साथ वो नहीं होता, तो फिर कुछ भी नहीं होता इंसान के साथ। या मैं तो फेल ही होता रहता हूँ चीज़ में, मेरी कोई चीज़ काम ही नहीं करती, तो फिर कोई भी चीज़ काम नहीं करती। टेंशन 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 ऑल द टाइम इन टेंशन एंड नो फाइनेंसेस, मन का एंड है, परेशानी स्टार्ट। तुम पर कसरत से बारिश बरसाएगा, तुम्हें माल और औलाद अता करता है और तुम्हें बागात और नहरें देता है। अस्सलाम वालेकुम। इंसान दो चीज़ों के पीछे भाग रहा है, एक फाइनेंशियल फ्रीडम और दूसरा सुकून। ये दोनों ही आज हमारे पास नहीं है। इसकी वजह यही कि हमने कुरान को और हदीस को छोड़ दिया है। मैंने कुछ रिसर्च की और सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं कि किस तरह हम रिस्क को बढ़ा सकते हैं, किस तरह हम सुकून हासिल कर सकते हैं, किस तरह हम मुश्किलात से निकल सकते हैं। अल्लाह ताला जो है हमें बस अमल की तौफीक अता फरमाए। हम कुरान या तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते, या अगर पढ़ते हैं तो सिर्फ उसकी तिलावत करके उसको रख देते हैं, या फिर रुखसती हो रही होती है तो उनके सर पे लेके गुजारते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के ज़रिए से हमें मदद हासिल करने के तरीक़ेकार बताए हैं, अहादीस हमें बयान किए उन्होंने, जिसकी वजह से हम जो है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन ना हम कुरान को पढ़ते हैं, ना हम हदीस को का मुताला करते हैं, यहाँ तक कि हम नमाज ही नहीं पढ़ते। हमारे पास टाइम ही नहीं है नमाज़ पढ़ने का और ना ही कुरान शरीफ पढ़ने का। तो इस वीडियो को अगर आपने आखिर तक देख लिया तो इंशाल्लाह आपके ये वाले मसले हल हो जाएंगे, बशर्त ये कि आप इसको फॉलो करें कि अनलिमिटेड रिस्क कैसे आप तक पहुंच सकता है। रिस्क में सिर्फ पैसा नहीं आता, रिस्क में औलाद भी आती है, सुकून भी आता है, इल्म भी आता है, और बहुत सी चीज़ें हैं इसके अंदर है जो रिस्क में शामिल होती हैं। तो सिर्फ रिस्क का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ पैसा अट्रैक्ट करेगा आपकी लाइफ में, सुकून भी होगा और आपकी तंदुरुस्ती भी होगी, सेहत भी होगी। इससे बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिस्क के अंडर आते हैं। दूसरा ये कि सुकून मेन चीज़ है जो आजकल हम ढूंढ रहे हैं, सुकून नहीं मिलता हमें, सुकून होता ही नहीं हमारे पास। टेंशन 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 ऑल द टाइम इन टेंशन एंड नो फाइनेंसेस, मन का एंड है, परेशानी स्टार्ट। भैया मन का एंड है, परेशानी स्टार्ट। तो इसका सलूशन एक है हमारे पास, और वो ये है कि हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, इन अदर वर्ड्स अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करें। और उससे हमें क्या क्या फ़वाद हासिल होंगे, किस तरह से हम इस्तग़फ़ार कर सकते हैं, क्या क्या तरीक़ार हो सकते हैं, कुरान क्या कहता है इस्तग़फ़ार के बारे में, हदीस में क्या फ़रमाया है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तग़फ़ार के बारे में, और क्या रिवॉर्ड्स हमें मिलते हैं उसके बारे में। तो इस वीडियो में आज हम वो जो है आपसे शेयर करेंगे। तो पहला फ़ायदा तो ये हो गया कि इंसान को सुकून मिल जाता है ज़िंदगी के अंदर। दूसरा फ़ायदा ये है कि अल्लाह ताला आपको हादसात से महफूज रखते हैं। तीसरा फ़ायदा ये है कि आप एक्टिव रहते हैं। चौथा फ़ायदा ये है कि आपके पास आइडियाज़ आते रहते हैं अपने दीन को, अपनी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए कोई ना कोई आइडिया आपके पास अल्लाह ताला डालेगा दिमाग में। अगर आप दीन को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अल्लाह ताला उसको बेहतर बनाने के लिए कोई ना कोई आपके दिमाग में डेली दिल में कोई ना कोई आइडिया डालेगा कि आज ये प्रैक्टिस करनी है, आज ये प्रैक्टिस करनी है, अब ये पढ़ो, अब इस चीज़ का मुताला करो, अब इसका ट्रांसलेशन देखो, अब ये जो पढ़ रहे हो ये क्या करो, अब नमाज में जो पढ़ते हो उसको अंडरस्टैंड करके पढ़ो, खुशू खुजू आएगा आपके नमाज के अंदर। सबसे बड़ा फ़ायदा अगला जब वो तो आपका बताने वाला हूँ ये है कि जिसके पीछे हम सब भाग रहे हैं कि हमारी दुआएं कबूल हों, तो दुआएं आपकी कबूल होना स्टार्ट हो जाती हैं मेरे भाइयों। दुआएं आपकी कबूल होना लिटरली स्टार्ट हो जाती हैं और आपको नज़र आ रही होती हैं चीज़ें कि मेरी दुआएं कबूल हो रही हैं, मेरे काम आसान हो रहे हैं। ऐसा फील होने लगता है, मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, ऐसा फील होने लगता है इंसान को जब आपका अल्लाह से कनेक्शन स्टार्ट होता है कि अल्लाह ताला ने आपके कामों के लिए दूसरे लोगों को लगा दिया है। मैं सीरियस कह रहा हूँ आपसे, ऐसा फील होता है कि अल्लाह ताला ने आपके कामों को के लिए दूसरे लोगों को लगा दिया है। कोई बंदा भी उठ के आ जाएगा कि मैं आपका ये वाला काम कर दूंगा, कोई भी बंदा उठ के आ जाएगा, या अगर आपने किसी से एक दफ़ा रिक्वेस्ट की वो आप काम आपका हो जाएगा, या लिटरली रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती कुछ केसेस के अंदर, आपके काम अल्लाह ताला ऐसे निकाल देता है।
मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी मेरी बेटी ने कुछ दिन पहले अपनी नाक में कुछ डाल लिया था, रात के 1:30 बज रहे थे। रात के 1:30 बजे हम लोग घर से निकले, मैं, मेरी वाइफ, बच्ची, उनको दोनों, मेरी बेटियों को लेके, और हम इधर उधर इधर उधर ख्वार होते रहे। लेकिन मुझे यकीन था, भरोसा था कि इंशाल्लाह मेरा काम हो जाएगा, अल्लाह मेरे काम करेगा। यही हुआ, 3-4 हॉस्पिटल्स में मैं गया, उन्होंने, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने हमें भगा दिया, उनके पास था ही नहीं एंटी स्पेशलिस्ट। फिम्स में हम गए, विद इन 5 मिनट्स उस डॉक्टर ने जो है वो नाक से निकाल दी चीज़। एक तो तवक्कल होना चाहिए अल्लाह ताला के ऊपर, और इस्तफ़ा जब आप पढ़ते हैं, करते हैं इस्तफ़ार अल्लाह से, अब आप तौबा मांगते हैं, तौबा करते हैं अल्लाह की तरफ, तो फिर जो है आपका तवक्कल वैसे ही बढ़ जाता है अल्लाह ताला पे। और जब तवक्कल बढ़ जाता है तो फिर आपके काम वैसे ही आसान हो जाते हैं। अल्लाह ताला जो है इसकी, आई थिंक सो, की हदीस है, इसका मफहूम यह है कि इंसान, अल्लाह ताला वैसे ही मामला करता है इंसान के साथ जैसे अल्लाह ताला, जैसे इंसान अल्लाह ताला के लिए गुमान करता है। गुमान आप इंशाल्लाह अच्छा रखें, आपके साथ अच्छा ही होगा। लेकिन हर वक्त बस रोते ही रहना है तो फिर रोने वाले ही काम होंगे। मेरे साथ ये नहीं होता, मेरे साथ वो नहीं होता, तो फिर कुछ भी नहीं होता इंसान के साथ। या मैं तो फेल ही होता रहता हूँ चीज़ में, मेरी कोई चीज़ काम ही नहीं करती, तो फिर कोई भी चीज़ काम नहीं करती आपकी। लेकिन अगर आपका तवक्कल स्ट्रांग है, आप इस्तगफार कर रहे हैं और अल्लाह पे आपने सारे काम छोड़ दिए अपने, तो हर चीज़ आपकी होती चली जाएगी। मेहनत कम, नफ़ा ज़्यादा, वरना मेहनत करते चले जाओ और ख़ुद ही करने की कोशिश करो हर चीज़ कि मैं खुद ही कर लूँगा। कुछ भी नहीं कर सकते आप। मैं इसलिए आपको इतने वसूख से कह रहा हूँ कि मैं इन चीज़ों से गुजरा हूँ, मेहनत कर करके, गधे की तरह मेहनत की है, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं मिला मुझे। 11 साल मैंने कॉल सेंटर के अंदर ज़ाये किए हैं, 11 साल कुछ नहीं मिला मुझे। हैंड टू माउथ ही रहा मैं, नमाज में पढ़ता था, लेकिन इतना कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं था मैं, मुसलमान नहीं था। जब आप अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, अल्लाह ताला 10 कदम आपकी तरफ बढ़ाते हैं। अल्लाह ताला से आप कनेक्शन कनेक्ट करते हैं, लेकिन कनेक्शन आप कैसे कनेक्ट करेंगे जब आप अपने पीछे इतनी जो है वो दुकान लगाई हुई है गुनाहों की, तो कैसे कनेक्ट होंगे आप अल्लाह ताला से? अस्तगफार के ज़रिए से। अस्तगफार एक ब्रिज है आपके और अल्लाह ताला के दरमियान। जब आप अस्तगफार करेंगे, आपका दिल के अंदर से मैल अल्लाह ताला साफ़ करेंगे। हदीस का मफहूम है कि जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल के अंदर स्याही आ जाती है, और गुनाह करता रहता है तो उस स्याही बढ़ती चली जाती है। ठीक है, मुझे पूरी डिटेल्स नहीं पता इस हदीस के बारे में, इसलिए मैं इसको कोट नहीं कर रहा, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत मुझे पता थी वो मैंने आपसे शेयर कर दी। लेकिन जब इंसान जो है इस्तगफार करता है तो उसका दिल जो है वो साफ़ होने लग जाता है, और जब साफ़ हो जाता है दिल, तो कनेक्शन मेन, हमें जो भी हमारा जो मेन गोल होना चाहिए ज़िंदगी के अंदर, वो है कि अल्लाह ताला से किस तरह हमें अपना कनेक्शन बनाना है। किसी के घर तुम जाते हो, पहले सवाल क्या करते हो? यार वाईफाई का पासवर्ड देना, कनेक्ट हो जाओ, ज़रा वाईफाई से कनेक्ट हो जाओ। अबे भाई, अल्लाह से कनेक्ट हो जाओ, अल्लाह से कनेक्ट हो जाओ, सारे मसले खुद ही हल हो जाएंगे। मैं देखता हूँ लोगों को कि लोग परेशान रहते हैं, परेशान रहते हैं, परेशान रहते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन नमाज से हेल्प नहीं लेते। अल्लाह की मदद नमाज से नहीं लेते, अस्तगफार से नहीं लेते, जिक्र अस्कार नहीं करते, कुरान नहीं पढ़ते, तर्जुमा नहीं पढ़ते, तफसीर नहीं समझते, और चाहते हैं मसले हमारे हल हो जाएँ, और कंप्लेन करते रहते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। जो भी खैर इंसान के पास आती है वो अल्लाह की तरफ से आती है, और जो भी परेशानियां इंसान के ऊपर आती हैं वो उसके अपने गुनाहों की वजह से आती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला हमें परेशान करके, हमें टेस्ट तो ज़रूर करता है वो। ठीक है, अल्लाह ताला हमें आजमाता है, कुरान में आता है ना इसका मफहूम है इसका, कि हम इनको खौफ से और इमारात से और माल से, इन चीज़ के खौफ से जो है हम उनको टेस्ट भी करेंगे। तो टेस्ट तो अल्लाह ताला लाजमी करते हैं, बस अल्लाह ताला से आफियत मांगनी चाहिए। बेनिफिट्स मैंने आपको अभी तक जो बताए हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं इस्तगफार करने के, मैं आपको जो है वो कुरान की कुछ आयत भी कोट कर देता हूँ, और इसकी डिस्क्रिप्शन का डिटेल्स भी डाल दूंगा। मैंने कुछ नोट्स बनाए थे ताकि मैं आपसे शेयर कर सकूँ। पहले मैंने सूरह नूह का आपसे बताया था, मैं दोबारा से आपसे शेयर कर देता हूँ। सूरह नूह के अंदर आयत नंबर 10, 11 और 12 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये रहमत के दरवाजे खोलता है, अपने रब से माफ़ी मांगो क्योंकि वो बड़ा बख्शने वाला है, वो तुम पर कसरत से बारिश बरसाएगा, तुम्हें माल और
औलाद अता करता है और तुम्हें बागात और नहरें देता है। मैं इसलिए रेफरेंस लाजमी शेयर करता हूँ क्योंकि जो है लोग क्रॉस चेक करते हैं, क्योंकि मेरी आदत है जब भी मैं कोई हदीस देखता हूँ या कोई आयत देखता हूँ तो लाजमी ही चेक करता हूँ कि जो उन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है वो वेरीफाइड है या नहीं, वरना फिर मैं आगे उसको शेयर नहीं करता। ठीक है, सूरह बकरा में आयत नंबर 222 222 के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, शोर बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो हमेशा उसकी तरफ रुजू करते हैं और जो पाकीज़गी इख्तियार करते हैं। तो मेरे भाइयों, इस्तग़फ़ार को पकड़ लो और ज़िंदगी को आसान कर लो, अपनी भी अपने घर वालों की भी। दूसरा मैंने बताया था दुआएं एक्सेप्ट होती हैं, जब दुआएं एक्सेप्ट होती हैं तो इंसान को और क्या चाहिए, दुआएं तो एक्सेप्ट करानी है और क्या करना। सूरह हूद आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अपने रब से माफ़ी मांगो और उसकी तरफ तौबा करो, वो तुम्हें एक मुकर्रम मुद्दत तक अच्छा रिस्क देगा और नेकी करने वालों को जजा देगा, लेकिन अगर तुम रूगर्दानी करोगे तो मुझे तुम पर एक बड़े दिन के अजाब का खौफ है। सूरह अनफाल आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लेकिन अल्लाह उनको कभी अजाब ना देगा जब तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान हैं होंगे, और ना ही वो उन्हें कभी सजा देगा अगर वो माफ़ी की दुआ करते। माफ़ी क्या है? इस्तग़फ़ार, रिपेंटेंस, अल्लाह की तरफ रुजू करना। सूरह हूद आयत नंबर 52 और ऐ मेरी कौम, अपने रब से माफ़ी मांगो और उसकी तरफ तौबा करो, वो तुम पर कसरत से बारिश बरसाएगा और तुम्हारी ताकत में इजाफा करेगा, बस बदकारी पर अड़े रहकर मुंह ना फेरना। जैसे मैंने बताया था स्ट्रेंथ मिलती है, स्ट्रेंथ क्या, आपको ताकत मिल जाती है, ताकत मिल जाती है हर तरीके की, रूहानी ताकत, जिस्मानी ताकत, और आपको आइडियाज़ आना स्टार्ट हो जाते हैं। आइडियाज़ इन अ सेंस प्रैक्टिसिंग दीन, प्रैक्टिसिंग दुनिया, आपका बिजनेस है, आपकी जॉब है, आप टीचिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप व्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, किसी भी तरह का आप काम करते हैं, आपके पास आइडियाज़ आना स्टार्ट हो जाते हैं। हदीस में शेयर कर देता हूँ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम मैं दिन में 70 मरतबा से ज़्यादा अल्लाह से इस्तग़फ़ार और इससे तौबा करता हूँ। कितनी देर लगेगी? 70 टाइम्स अगर हम इस्तग़फ़ार पढ़ लेते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह या अस्तग़फ़िरुल्लाहुल अज़ीम या अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैक, अगर आप इसका तर्जुमा याद भी कर लें तो आपको इतना मज़ा आएगा इस्तग़फ़ार पढ़ने में। हदीस में अल्लाह ताला कमी कोताही को माफ़ करे। कोशिश मेरी ये थी कि आपसे दीन की बात शेयर करें, इस्तग़फ़ार की जो पावर है वो शेयर करें, ताकि जो लोग इस्तग़फ़ार को इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं और इसके पर्क्स और बेनिफिट्स को अवेल कर रहे हैं, आप भी उनका अवेल करें, अपनी ज़िंदगी में सुकून लेकर आएँ, अपनी वेल्थ में इजाफा करें। किसको वेल्थ नहीं चाहिए भाई, हर किसी को वेल्थ चाहिए, आजकल महंगाई इतनी है, और अगर महंगाई ना भी होती इंसान को शुरू से पैसा तो चाहिए होता है। पैसा लोग कहते हैं ज़रूरी नहीं है, पैसा पैसा ज़रूरी है भाई, क्यों ज़रूरी नहीं है? और अगर आपका पैसा है तो आप उसको अच्छे कामों में सर्व करें। इसका कुरान में एक आयत का मफहूम है, मुझे अभी इसकी आयत की याद नहीं आ रही है कौन से सूरत में, उसका मफहूम यह है कि मर जाने के बाद इंसान दोबारा से अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट करेगा कि हमें दोबारा भेज दें दुनिया में, कि हम जो है सदका खैरात करें। तो भाई जब तक जिंदा हो पहले सदका खैरात कर लो ना। सदका खैरात के ऊपर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा मैं, उससे भी आपके रिस्क में बहुत इजाफ़ा होता है, फैमिली के ऊपर खर्च करने से आपके रिस्क में बहुत इजाफ़ा होता है। तो ये छोटे छोटे हमारे पास शॉर्टकट्स हैं दोस्तों, मेहनत ज़रूरी है, मेहनत लाजमी है। जैसे मैंने पहले कहा कि कोई भी फरिश्ता आके आपको यूँ पैसे नहीं पकड़ा देगा, यही गाड़ी आपकी जो चाहिए, आपको पसंद की सिविक चाहिए या फिर लैंड क्रूज़र चाहिए, अभी कौन सी आई हुई एम जी चाहिए, कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं, तो वो आपको ला के नहीं पकड़ा देगा। सुबह उठेंगे और सामने गाड़ी खड़ी होगी, ऐसा कभी नहीं होता। अल्लाह ताला आपको आइडियाज़ देता है दिमाग के अंदर, दिल के अंदर आपके पास आइडियाज़ आते हैं, आपको उनको इम्प्लीमेंट करना होता है, और इम्प्लीमेंट करने के बाद अल्लाह पे तवक्कल करना होता है, रिवॉर्ड देना अल्लाह के हाथ में, और अल्लाह से हमेशा अबंडेंस मांगनी चाहिए, अल्लाह से हमेशा कसरत से मांगना चाहिए। अल्लाह ताला से छोटी चीज़ों का भी सवाल आप कर सकते हैं, उसमें कोई मना नहीं, लेकिन अल्लाह ताला तो पूरी कायनात के मालिक हैं, तो उसे छोटी चीज़ मांग के क्या फ़ायदा भाई, बड़ी चीज़ मांगो अल्लाह ताला से, बड़ी चीज़ मांगे अल्लाह ताला से, बड़ा मांगे।
अपने गोल्स को हाई सेट करें और अल्लाह ताला से मदद मांगें। अल्लाह ताला मेरी और आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ करें और हमें एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान बनाए। तो हमें याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।